Hello everyone, welcome to the another video of Vigyan YouTube channel. And in today's video, we're going to talk about the centripetal and centrifugal force. Correct? Last lecture में हम लोगों ने क्या किया था? Last lecture में हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ numericals करे थे radial acceleration और tangential acceleration पे और उनकी theory पढ़ी थी, right? और uniform circular motion के conditions को पढ़ा था. But in today's lecture, हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है, उसके बारे में पढ़ेंगे, विच इज वॉट सेंट्रीपेटल फोर्स. ठीक है, जो कि डायनामिक्स डिसाइड करता है किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, एज आई विल से अगेन, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग विच आई आस्क फ्रॉम यू ऑल पीपल. एंड सेकेंड इज, वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इट. एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट इन द कमेंट सेक्शन. एंड ऑल्सो, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो बेटा चैनल को ओपन करो, उसमें देख लो पीछे वीडियो सर्कुलर मोशन के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को देख लो, उससे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, तब थर्ड लेक्चर देखना. ठीक है, या फिर अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में तुम्हें क्लैरिटी चाहिए तो गो फॉर इट, वॉच द वीडियो, नो इशूज. ओके, तो चलिए लेट अस बिगिन. आप नए भी यूजर हो तो आप देख सकते हो ये वीडियो पहली बार, अगर आप आए मेरे चैनल पे. तो अगर आपको कोई भी डाउट है सेंट्रीपेटल फोर्स से को लेकर, या फिर यू नो एनीथिंग, सेंट्रीपेटल फोर्स हो गया, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, फिर सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड्स, इन टॉपिक्स को लेकर किसी भी तरह के डाउट है, यू कैन वॉच दिस वीडियो, दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स का हम लोग कई सारे उसके कंडीशंस होते हैं, तो अभी आज एक कंडीशन करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग उसके आगे के कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो व्हाट इज सेंट्रीपेटल फोर्स? सबसे पहला टॉपिक, द फोर्स दैट ऑपरेट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग इन अ सर्कुलर रूट और अ सर्कुलर मोशन एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेंट्रीपेटल फोर्स. ठीक है, एक ऐसा फोर्स जो कि जब ऑब्जेक्ट कोई सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उस पर लग रहा होता है, और डायरेक्टेड किस तरफ होता है, यानी फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था ना, उसी तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स है. दिस इज द ओनली फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है, सो मैंने आप लोगों को पहले भी सेंट्रीपिटल वर्ड का मतलब समझाया था, सेंट्री प्लस पेटल, दो वर्ड से ये बना है. इसका मतलब होता है सेंटर लविंग, यानी ऐसा फोर्स है ये जो कि सेंटर से प्यार करता है, तो दैट मींस इट विल ऑलवेज गो टुवर्ड्स द सेंटर. करेक्ट, सो इसका काम क्या है, इस फोर्स का, इट्स जॉब इज टू कीप द ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग ऑन अ कर्व पाथ और सर्कुलर मोशन. ठीक है, कि वो उस कर्व पाथ या सर्कुलर मोशन को उसको मेंटेन करके रखे ऑब्जेक्ट को, और उसको स्ट्रेट लाइन में फ्लाई ऑफ करने से रोके. ठीक है, टेंजेंशियली ऑब्जेक्ट भाग ना जाए सर्कुलर मोशन को इजेक्ट करके, उससे रोकने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स का यूज. ठीक है, ऐसा कि आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर सेंट्रीपेटल फोर्स किस तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ, और इसकी वेलोसिटी किधर है, टेंजेंशियली है. ठीक है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है. ठीक है, तो दिस इज द सेंट्रीपेटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, अब इसका कुछ इक्वेशन होता है सेंट्रीपेटल फोर्स का, जो कि इंपॉर्टेंट है समझना. जैसा कि मैंने आप लोग ऑलरेडी बता चुका है कि इससे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो एफ सी विल बी इक्वल टू एम ए सी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो मास तो जस का तस रहेगा, ए सी क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, तो एफ सी क्या हो गया, एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया, एम वी स्क्वायर बाई आर. ठीक है, ये हो गया क्या, फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स. ठीक है, तो बेसिकली कहीं पर भी अगर आपको न्यूमेरिकल में सेंट्रीपेटल फोर्स पूछेगा तो आप लगाओगे कौन सा फॉर्मूला, एम वी स्क्वायर बाई आर. ठीक है, अब देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, टर्म का मतलब तो मैंने समझा ही दिया था आप लोगों को, दैट टर्म सेंट्रीपेटल कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मीन सेंटर सीकिंग, जो सेंटर को सीक करे, यानी सेंटर की टूवर्ड्स जाए. ठीक है,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, तभी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी सेंट्रीपेटल फोर्स को लेकर। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, इस टॉपिक में थ्योरी थोड़ी ज्यादा होगी आज के वीडियो में, तो कोशिश करिएगा अपनी कॉन्सेंट्रेशन को बिल्कुल ही अनडिवाइडेड रखने का। देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सेंट्रीपेटल फोर्स इज नॉट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फोर्स बट रादर अ नेट फोर्स और द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो कोई एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फोर्स नहीं है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ फोर्स कौन कौन से होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, स्ट्रिंग फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, ये अलग अलग तरीके के फोर्स हैं। बट सेंट्रीपेटल फोर्स कोई अलग तरीके का फोर्स नहीं है, ये बहुत सारे फोर्सेस जो लग रहे होंगे ऑब्जेक्ट पे जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका रिजल्टेंट फोर्स है, उनका उसका नेट फोर्स है, उसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। ये कैसे, अभी नेक्स्ट पॉइंट में समझो। इट कैन बी कॉज्ड बाई वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस सच एज ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक सिचुएशन। ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे अलग अलग तरह के फोर्सेस के द्वारा कॉज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जैसे टेंशन इन अ स्ट्रिंग, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स। अभी आप ये सोचो कि अर्थ की जो ग्रेविटी है, अर्थ की, वी ऑल नो दैट मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ और मून रोटेट्स अराउंड अर्थ, करेक्ट? सो मून कैसे रोटेट कर पा रहा है अर्थ के टूवर्ड्स? बिकॉज ऑफ दी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, राइट? तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स मून के लिए क्या हो गया? सेंट्रीपेटल फोर्स हो गया। समझ रहे हो? तो सेंट्रीपेटल फोर्स ऐसा नहीं है, बच्चे क्या सोचने लग जाते हैं कि एक अलग टाइप ऑफ फोर्स है सेंट्रीपेटल फोर्स। नहीं, सेंट्रीपेटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि जिसको कि प्रोड्यूस किया जा सकता है जो एग्जिस्टिंग फोर्स है उसके वजह से। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, मून और अर्थ का। ठीक है, इस तरीके से जैसे मान लो बाइक आप चला रहे हो, रोड पर जा रहे हो आप, ठीक है, तो अचानक से कर्व रोड आ गया है ना, तो आप कर्व रोड पे टर्न ले रहे हो, तो जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है आपके बाइक के टायर रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, अगर वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है तो वही सेंट्रीपेटल फोर्स कहलाएगा इस केस में, बिकॉज दैट इज द ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड इट विच इज हेल्पिंग यू टू नॉट स्किड ऑन द रोड एंड विच इज हेल्पिंग यू टू मेंटेन दैट कर्व पाथ ऑन द रोड। ठीक है, सो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर दैट सेंट्रीपेटल फोर्स इज नॉट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फोर्स बट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरियस फोर्सेज सच एज ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक सिचुएशन। ओके, नाउ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टेट दैट एन आइटम इन मोशन विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन अंटिल और अनलेस एक्टेड बाय अ फोर्स। वी नो दैट दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इससे क्या आता है, कॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज ऑन अ सर्कुलर पाथ इट्स डायरेक्शन चेंजेस कॉन्स्टेंटली, वी नो दैट, इंप्लाइंग दैट अ फोर्स इज एक्जर्टिंग ऑन इट। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर कोई फोर्स ना लग जाए। तो सर्कुलर मोशन में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, इसका मतलब कोई तो फोर्स लग रहा होगा उस ऑब्जेक्ट पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन का फर्स्ट लॉ। दिस इनवर्ड फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपेटल फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट ऑन इट्स कर्व पाथ, अगेन जो मैंने बोला। तो वही जो फोर्स लग रहा है जिससे कि पार्टिकल का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन में चेंज हो रहा है, दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके, दैट इज नथिंग बट सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, एक बार आप फिर से स्लाइड को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ पड़ा है, यू कैन चेक दैट आउट एंड यू कैन रीड दैट आउट। और कोई डाउट हो तो आप ये वीडियो का ये पार्ट देख लीजिएगा या फिर कमेंट में मुझे बताइएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर वन, अब इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, कि अ कार ऑफ मास 1200 kg इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 m/s। एक कार है जिसका मास 12,000 kg है और वो ट्रेवल कर रहा है 20 m/s से कर्व रोड में, ठीक है, जिसका रेडियस 50 m है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स कितना लग रहा होगा कार पे? ठीक है, ये एक रोड है, इस पर ये कार है, ठीक है, ये ऐसे मूव कर रहा है, मास ऑफ द कार इज हाउ मच? 1200 kg, स्पीड ऑफ द कार इज, और वेलोसिटी ऑफ द कार इज 20 m/s, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाउ मच? 50 m। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv2/r। क्या यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज है जो अवेलेबल नहीं है? क्या ऐसी कोई भी चीज आपको दिख रही है जो कि अवेलेबल नहीं है? है ना, m दिया हुआ है,
वेलोसिटी दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो तो 1200 इंटू वी स्क्वायर यानी 400, 20 का स्क्वायर इज 400/50, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9000, सॉरी 9600000 न्यूटन, ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे ये आएगा, तो 96 लाख न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द कार टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोड सो दैट द कार इज मूविंग सेफली ऑन द रोड, ओके, सो दिस फोर्स इज सेंट्रिपिटल फोर्स। क्या किया हमने, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला इन द क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर टू, एक सैटेलाइट है 500 किलोग्राम का, ठीक है, जो कि ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के अराउंड इन अ सर्कुलर पाथ विथ रेडियस ऑफ 6400 किलोमीटर, वी नो दैट, तो डिटरमाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है, ये अपना अर्थ है, इसका ये ऑर्बिट, यहाँ पर कोई एक सैटेलाइट होगा, ठीक है, जो कि इसके अराउंड रोटेट कर रहा है इस ऑर्बिट में, अर्थ कह रहा हूँ, ठीक है, ये जो रेडियस है ये कितना है, 6400 किलोमीटर, ठीक तो सेंट्रीपेटल फोर्स इस सैटेलाइट पर कितना लग रहा होगा ये बताना है, ताकि ये ऑर्बिट में रोटेट करता रह सके। अगेन इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, मास ऑफ द सैटेलाइट इज 500 kg, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6400 किलोमीटर्स, ठीक है, और वट एवर डेटा इज गिवन, हमें क्या फोर्स निकालना है, सेंट्रिपेटल फोर्स, ठीक है, बट हमें वेलोसिटी नहीं पता है सैटेलाइट की, कि सैटेलाइट कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट, इस क्वेश्चन में वेलोसिटी इज नॉट गिवन, वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट फर्स्ट, तभी तो हम mv² / r वाला फॉर्मूले पे इसको लगा पाएंगे ना दोस्त, ठीक है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए हमें m वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, हम एक फैक्ट यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर जो सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा होगा इस सैटेलाइट पे, ये कौन सा फोर्स लग रहा होगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको मून वाले एग्जाम्पल में भी बताया था कि अर्थ के अराउंड मून रोटेट कर पाता है, क्यों, बिकॉज एक ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का मून के तरफ, जो कि मून को उसकी तरफ मेंटेन करके रखता है सर्कुलर मोशन करने में, तो सिमिलरली अगर सैटेलाइट अर्थ की तरफ रोटेट कर रहा है तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड इसीलिए रोटेट कर पा रहा है बिकॉज अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है सैटेलाइट पे एज अ सेंट्रिपेटल फोर्स है, ठीक है, तो फोर्स तो हमें इतना तो पता है कि किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू mg, तो यही किसके बराबर है अपना, सेंट्रिपेटल फोर्स के बराबर, और यही तो हमें निकालना है, तो क्या वेलोसिटी निकालने की जरूरत भी है, इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, सीधा Fc इज इक्वल टू m कितना है, 500 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज g इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करो, दिस विल कम एज 4900 न्यूटन, दिस इज द अमाउंट ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट टू मेंटेन इट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया क्योंकि इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते थे कि सर सैटेलाइट की वेलोसिटी तो दी ही नहीं है, तो हम mv² / r वाला फॉर्मूला कैसे लगाएं, तो बेटा mv² / r वाला फॉर्मूला लगाना कभी कभी जरूरत भी नहीं पड़ता, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इट इज नॉट ए स्पेसिफिक सेट ऑफ फोर्स, सेंट्रिपेटल फोर्स इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सो मेनी फोर्सेस, हियर इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, हम ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगा दिए, क्लियर हो गया फंडा, अंडे का फंडा। अब आते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, ये एक नया जीव जंतु है बच्चों सर्कुलर मोशन में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये क्या बोलता है इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली नाम से आपको क्या लग रहा है, सेंट्रीपेटल के ऑपोजिट लग रहा है ये फोर्स, ये लग रहा है कि मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स का भाई है या सेंट्रीपेटल फोर्स का दुश्मन है, क्या लग रहा है ये देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज फ्रीक्वेंटली रेफर टू एज एन एपरेंट फोर्स, एपरेंट मतलब इमेजिनरी, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज फ्रीक्वेंटली रेफर टू एज एन इमेजिनरी फोर्स, क्यों सर, क्यों हम इमेजिनेशन में एक फोर्स को ला रहे हैं, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस पहले कम थी, जो हम एक और फोर्स को इमेजिनेशन में ला रहे हैं, इसका रीजन है देखेंगे, एक्टिंग ऑन ए बॉडी ट्रेवलिंग अराउंड अ कर्व्ड डायरेक्शन,
कोई बॉडी है जो कि कर्व डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो उस पर एक इमेजिनरी फोर्स हम मानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, व्हाइल द वर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑफन यूज्ड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, इट इज वाइटल टू स्ट्रेस दैट इट इज अ परसीव्ड और एपरेंट फोर्स रादर देन एन एक्चुअल फोर्स। इस चीज का ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली में कोई ऐसा फोर्स नहीं होता जो बॉडी पे लग रहा होता है, ये एक एपरेंट फोर्स है या परसीव फोर्स है या एक इमेजिनरी फोर्स है जो हम साइंटिस्ट हम फिजिसिस्ट ने मान रखा है। क्यों मान रखा है ये अभी आगे हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल का, एफ सेंट्रीफ्यूगल इज ऑल्सो mv² / r। कैसे, अभी सब समझ आ जाएगा, पहले ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखो कैसे। देखो, द इनर्शिया ऑफ अ मूविंग आइटम कॉजेज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ड्यू टू इनर्शिया व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ इट टेंड्स टू कंटिन्यू गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन। इनर्शिया यानी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का जो मोशन था उसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पे मूव कर रहा है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन में जाने की, क्योंकि आप देख रहे हो हर जगह पर वेलोसिटी की तरह स्ट्रेट लाइन में डायरेक्टेड है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को कर्व कोर्स में रखने के लिए एक इनवर्ड फोर्स यानी सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है इस पे, करेक्ट। इसको कर्व पाथ पर मेंटेन करवाने के लिए एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगाते हैं हम टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। लेकिन ऑब्जेक्ट के इनर्शिया की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व। ये अपने इनर्शिया में ना आ जाए, यानी भले ही इसमें लग तो रहा है सेंटर की तरफ एक फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स जो कि इसको इंटैक्ट रख रहा है कर्व्ड मोशन में, सर्कुलर मोशन में, बट एक कोई ऐसा फोर्स टुवर्ड द सेंटर भी तो लगना चाहिए ना ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ताकि इसको बैलेंस आउट कर पाए और ये सर्कुलर मोशन कर पाए। अगर मान लो नेट फोर्स इस पर केवल सेंटर की तरफ लगता तो ये ऑब्जेक्ट तो जाकर टकरा जाता सेंटर से सर्कल के, या अगर मान लो केवल अर्थ जो है मून पर अपने सेंटर की तरफ फोर्स लगाता, ठीक है, तो मून अर्थ से जाकर टकरा नहीं जाता। एक टाइम ऐसा आता जब रेडियस घटता जाता घटता जाता घटता जाता और मून जाकर अर्थ से स्ट्राइक कर जाता, भिड़ जाता, बट ऐसा तो हो नहीं रहा। मून इज स्टेबल एंड रेडियस इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, तो दैट क्लियरली मीन्स कि एक ऑपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लगता है जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम है बैलेंस करना ऑब्जेक्ट को, कि नेट फोर्स को जीरो करना ऑन द सर्कुलर मोशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, डिस्पाइट द फैक्ट दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज फ्रीक्वेंटली डिफाइंड एज अ फोर्स पुशिंग एन आइटम आउटवर्ड, इट इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स लाइक ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एज आई टोल्ड यू इट इज अ फिक्शियस फोर्स, अ स्यूडो फोर्स। ठीक है, क्रिएटेड बाई दी ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, कैसे सर? इट इज कॉज बाई सीइंग द मोशन थ्रू अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सच एज रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी मान लो हम एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े हैं जो कि रोटेट कर रहा है, जो कि रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर स्पीड से, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं इसको देख रहा हूँ सर्कुलर मोशन करता हुआ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं भी रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो स्टैटिक दिखेगा मुझे क्योंकि तो मैं भी रोटेट कर रहा हूँ, या फिर तो अगर मेरी एंगुलर वेलोसिटी इसके एंगुलर वेलोसिटी से डिफरेंट होगी तो थोड़ा डिफरेंट दिखेगा मुझे स्पीड रोटेट करने का, बट मुझे क्या दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ जाता हुआ, फिकाता हुआ बाहर की तरफ, बट क्योंकि मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूँ इसीलिए, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए वी पुट अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हियर। जैसे याद है हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एक स्यूडो फोर्स का यूज करते थे, बस सर्कुलर मोशन में उसकी जगह पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो सेंट्रीफ्यूगल का भी मैं टर्म का मतलब बता देता हूँ, सेंट्री प्लस फ्यूगल विच इज सेंटर हिटिंग, यानी सेंटर से दूर जाना चाहेगा, ये फोर्स सेंटर से दूर जाना चाहेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये फोर्स लग रहा है सेंटर के तो से दूर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये सेंट्रीपेटल फोर्स सेंटर के टूवर्ड्स लग रहा है, राइट। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस डू वन न्यूमेरिकल। इमेजिन अ पर्सन स्टैंडिंग इन रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है पर्सन, क्या चीज में है, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सच एज स्पिनिंग कार्निवल राइड। ठीक है, वो जो नहीं होता फेरिस व्हील, उस पे बैठा है कोई। लेट्स से द पर्सन इज पोजीशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है,
सेंटर ऑफ रोटेशन से पर्सन का डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर है, तो रेडियस क्या हो गया? 4 मीटर हो गया. व्हाट विल बी द रेडियस? 4 मीटर. एंड द राइट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन एवरी 5 सेकेंड्स. एन इज वन रेवोल्यूशन पर 5 सेकेंड्स. द पर्सन मास इज 60 kg. कैलकुलेट द एपरेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमने क्या बोला था? एम वी स्क्वायर बाई आर. ठीक है, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज एम ओमेगा स्क्वायर आर. करेक्ट है ना, वेयर एम इज द मास ऑफ द पर्सन, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, विच विल बी वॉट? 2 पाई डिवाइडेड बाई द टाइम ऑफ वन रेवोल्यूशन एंड आर इज द रेडियस. ओके, सो एम इज 60, आर इज 4 मीटर्स, टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन इज 5 सेकेंड्स, राइट? टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन इज गिवन एज 5 सेकेंड्स. ठीक है, सो ओमेगा क्या होगा? 2 पाई बाई टी. ठीक है, टी हो जाएगा 2 पाई बाई 5. तो दिस इज आ गया ओमेगा, तो 2 पाई बाई 5 कितना हो जाएगा? 1.25 रेडियन पर सेकेंड. तो अब तो सब हमें पता चल ही गया. नाउ वी नो एवरीथिंग ना, वी नो एम, वी नो ओमेगा, वी नो आर. सब्स्टिट्यूट, तो एम कितना है? 60. ओमेगा स्क्वायर इज 1.25 का होल स्क्वायर इनटू आर इज हाउ मच? 4. इसकी वैल्यू निकाल देना, दिस विल बी योर फाइनल आंसर. इट विल कम एज 301.63 न्यूटन्स. कैलकुलेट करके आंसर मिला लेना. दिस इज हाउ इन द वेरी सेम वे सेंट्रीपेटल फोर्स वी हैव सॉल्व सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, सच बताऊं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है. ठीक है, ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते नहीं है, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है. सर्क्यूलर टर्निंग ऑन रोड्स, ये क्या होता है सर? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब कोई बाइक या कार, ऐसा कुछ भी, बाइक या कार, ठीक है, मान लो ये बाइक है, ठीक है, मान लेते हैं, आई नो घटिया सा है, ये बाइक या कार जब भी कोई सर्कुलर रोड में टर्न करता है तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है टुवर्ड्स द सेंटर. ये मानते हो आप कि जब भी कोई बाइक या कार सर्कुलर रोड में टर्न लेता है तो वो बेंड हो जाता है टुवर्ड्स द सेंटर? ठीक है, तो वो सेंटर की तरफ क्यों बेंड होता है? क्यों बेंड होता है वो सेंटर की तरफ? इसका मतलब उस पर सेंटर की तरफ कोई फोर्स लग रहा होगा, और सेंटर की तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है या कर्व पाथ में होता है तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है? वी नो दैट फोर्स इज सेंट्रीपेटल फोर्स. सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है. ठीक है, अब ये सेंट्रीपेटल फोर्स हमें पता है कि कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ फोर्स तो होता नहीं है, ये किसी वेल एग्जिस्टिंग फोर्स का कॉन्सिक्वेंस होगा. तो इन केस ऑफ सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स सेंट्रीपेटल फोर्स क्या क्या हो सकता है पहले ये जानते हैं. ठीक है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स कैन बी caused by circular turning in 3 ways. तीन तरीकों से सेंट्रीपेटल फोर्स किसी भी गाड़ी पर लग सकता है while taking a circular turn. सबसे पहला by frictional force, या तो फ्रिक्शन की वजह से एक सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, उसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स मान लेंगे, पहला रीजन है ये. सेकंड क्या हो सकता है? बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स, रोड को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, हल्का सा उठाकर रोड को, लास्ट में हल्का सा रोड को उठा दिया गया है, रोड की इंक्लिनेशन थोड़ी चेंज कर दी गई है ताकि उस पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स ऑटोमेटिकली लग जाए. ये हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में. एंड थर्ड, by both friction and banking of force. Yani road banked bhi hai at certain angle and tire aur road ke beech mein frictional force lag raha hai.
ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी आज के वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट ओनली दिस फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स अगर लग रहा है ऑब्जेक्ट पे तो सर्कुलर टर्निंग में वो कैसे मदद करेगा, ठीक है, सर्कुलर टर्निंग में वो कैसे मदद करेगा, तो लेट अस सी। अगर एक कर्व बनाते हैं इस तरीके का, ज्यादा ही बड़ा बन गया, ओह गॉड आई एम सो बैड एट ड्राइंग यार, सम टाइम आई फील लाइक आई एम सो बैड एट ड्राइंग, यू नो, बट जब तक स्कूल में था तब तो फुल मार्क्स मिलते थे ड्राइंग में। ठीक है, ये एक कर्व्ड रोड है, यहां पर एक गाड़ी है, ठीक है, ये एक गाड़ी है, ठीक है, मान लेते हैं यार, आई नो कि घटिया डायग्राम है बट चलो मान लेते हैं। और ये है सर्कल का सेंटर, तो क्या है, सर्कल का सेंटर। तो अब हमारा कंडीशन क्या है कि बाय फ्रिक्शनल फोर्स अगर सेंट्रिपेटल लग रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, तो इक्वेशन क्या होगा, है ना, हमारा फंडा यही है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम अगर इस कार का बना है तो नीचे इस पे फोर्स लगेगा एम जी ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है, ऊपर लगेगा रोड का नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, और क्योंकि रोड इस तरफ है ऐसे है और ये कार ऐसे मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको पीछे की तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ। और एनीवेज हम लोगों ने तो यही माना भी है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज गोइंग टू बी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन दिस कंडीशन, सो इट विल डेफिनेटली एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो होगा इस कार का वो कितना हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन विल बी v² बाय r, और फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो इट विल बी mv² बाय r, ठीक है। अब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा इस कार पे, उसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, म्यू एन, यानी म्यू एम जी, दिस विल बी द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो ये है नॉर्मल एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स और ये है मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से अगर ज्यादा फ्रिक्शन लग गया तो जो नेट फोर्स लग जाएगा कार पे वो लग जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर और कार टॉपल कर जाएगा या स्किड कर जाएगा रोड पे। तो हमें क्या चाहिए कि जो फ्रिक्शनल फोर्स गाड़ी पर लगता रहे वो उसके मैक्सिमम फोर्स के बराबर हो फ्रिक्शनल फोर्स के या उससे कम हो, यही हमारा कंडीशन है जो हमें चाहिए, क्यों, नहीं तो स्किड कर जाएगी कार या बाइक। तो एम वी स्क्वायर बाई आर शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी, दिस शुड बी द कंडीशन, है ना, दिस शुड बी द कंडीशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, v मैक्सिमम, ठीक है, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू एम जी। देख लो मुझे बताओ कंडीशन सही है, सॉरी नॉट म्यू एम जी, म्यू आर जी, माई बैड, म्यू आर जी, ये m और ये m कैंसिल हो गया, म्यू इधर r इधर गया, v मैक्स, ठीक है। सो यानी इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए गाड़ी की, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी का जो रेंज है या तो इतना या इससे कम होना चाहिए, सो दैट इट कैन टेक अ सेफ सर्कुलर टर्न टुवर्ड्स द रोड, ठीक है, ऑफ रेडियस r एंड कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी मीन। तो ये है पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, प्लीज कीप दिस इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये और ये बहुत जगह पे अभी न्यूमेरिकल में आएगा और जेई के पर्सपेक्टिव से भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दैट इन माइंड, ओके। सो लेट अस डू अ क्वेश्चन फटाफट। इफ अ बाइकर इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, अगर एक बाइकर 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है ऑन अ रोड व्हिच इज टेकिंग अ शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 8 मीटर, तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा बाइक के टायर और रोड के बीच में, ठीक है, स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, रेडियस ऑफ द रोड इज 8 मीटर, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, राइट, वी क्या होता है म्यू आर जी, जी नहीं दिया हुआ है तो हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, वी इज गिवन ना 15,
सो 15 विल बी इक्वल टू अंडर रूट, म्यू तो हमें निकालना है, 8 × 10। ठीक है, 10 कैसे हो गया सर, जी इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने मान लिया 10 m/s², आर इज 8 m व्हिच इज गिवन। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो 225 इज इक्वल टू म्यू इनटू 80, सो म्यू विल बी इक्वल टू 0.61, दिस विल बी योर आंसर। सो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन आएगा आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के रिगार्डिंग बैंकिंग ऑफ ये सर्कुलर टर्न ऑफ रोड्स। इजी है। अब देखो, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच अ कार टर्न अराउंड अ कर्व ऑफ रेडियस 15 m ऑन अ लेवल्ड रोड, यानी बैंकिंग नहीं है रोड में, रोड लेवल्ड है, कोई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन 0.8 जी 10 m/s². सेम क्वेश्चन बच्चों, वी नो दैट एम वी स्क्वायर बाई आर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी, है ना, तो दैट इंप्लाइज इससे अगेन हमें क्या मिलेगा, म्यू आर जी ही मिलेगा। तो म्यू आर जी कितना है, म्यू कितना है 0.8, आर कितना है 15, जी कितना है 10, निकाल लो 11 m/s, दिस शुड बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द कार। इससे ज्यादा वेलोसिटी अगर हुई, 12 m/s हुआ, 11.1 m/s हुआ, कार कैन स्किड और टॉपल एंड एक्सीडेंट कैन हैपन। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस तरह के इन सब टॉपिक्स। ठीक है, सो या बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। यू नो हम लोगों ने आज 3 टॉपिक्स कवर की, एक अपना सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों तो 100% कंप्लीट हो गया आज, बच गया सर्कुलर टर्निंग का हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया, बाकी 2 अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर लेडीज एंड जेंटलमैन, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू सस्टेन टिल दिस एंड ऑफ द वीडियो, That means you want to learn something. That means you love physics. That means you want to crack IIT JEE, and that is very much evident from your attention level. And I appreciate you for that. Okay. So subscribe to this channel. Share this with your fellow JEE aspirants. Unki bhi madad ho jaye. Okay. And I'll see you in the next video. Bye bye.